प्रकोप प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करीब 70 दिनों से लगाया हुआ था। इसी के साथ ही अपने प्रदेशों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले प्रवासियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। बाहर फंसे प्रवासियों ने अपने अपने प्रदेशों में जाने का मन बना लिया है। लोग अपने अपने घरों के लिए पैदल के साथ साथ अन्य सुविधाओं के साथ अपने घरों का रुख करना शुरू कर दिया है। बहुत से प्रवासी चोरी छुपके प्रदेशों में आ रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस का प्रकोप अब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। कुछ लोग बॉर्डर से होकर गुजर रहे हैं। प्रकोप बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग ने इसको गंभीरता से लेते हुए बॉर्डर पर ही रैपिड टेस्ट का इंतजाम किया है। इस रैपिड टेस्ट से 15 मिनट में कोरोना के निगेटिव या पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाती है। इसी के साथ ही पहले जिन लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा रहा था, उनको इससे पूर्व सरकारी हॉस्पिटल में भेजकर ब्लड निकालकर सैंपल टेस्ट किया जाता था, जिसमें लगभग 3 दिन में रिपोर्ट आती थी। तब तक उस व्यक्ति को यहाँ के बने क्वारंटाइन सेंटरों में शिफ्ट किया जाता था। अब रैपिड टेस्ट के द्वारा रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव आने पर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। इस रैपिड टेस्ट से यहाँ से लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी आने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ये बहुत अच्छा कदम है। रैपिड टेस्ट तो होना ही चाहिए, और कोरोना वायरस को रोकने के लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे। जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे, जितनी जल्दी उनके रिजल्ट आएंगे, हमें पता लगेगा आदमी पॉजिटिव है, उसकी रोकथाम करने में उतनी ही सहायता मिलेगी। तो इसमें तो कोई दोराय है ही नहीं कि बहुत ही अच्छा कदम है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट तो करना ही चाहिए सरकार को। तो अगर रैपिड टेस्ट हो रहा है और फटाफट उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो हम उसका टेस्टिंग का जो क्वारंटाइन का टाइम है, अगर वो 14 दिन है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है किसी वजह से, तो हम उसको कम कर सकते हैं। उस क्वारंटाइन का टाइम 14 की जगह 7 दिन करा जा सकता है। ये लेकिन सरकार पर निर्भर करेगा या डॉक्टर्स पर निर्भर करेगा कि वो उसके इसमें क्या एक्शन लेते हैं। हाँ, होम क्वारंटाइन बिल्कुल हो रहा है, होम क्वारंटाइन करना चाहिए। जहाँ तक बात आइडेंटिफिकेशन की है, तो उसके लिए बिना सैम्पलिंग के आइडेंटिफिकेशन संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मसले सामने आए हैं जहाँ पर लक्षण ऊपरी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो उसमें जो मुंह से स्वाब का जो भी सैंपल लेते हैं वो आवश्यक है। और जैसा जानकारी में आया है कि जो लोग बाहर से शहर में प्रवेश कर रहे हैं किसी में भी, तो बॉर्डर्स पर ही उनके सैंपल एकत्र करके उनको सीधे रिपोर्ट आने तक या तो प्रतीक्षा वहीं करनी पड़ रही है या उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी प्रक्रिया है। सबसे बड़ी समस्या पहले टेस्टिंग की थी, बॉर्डर से हॉस्पिटल में भेजा गया, हॉस्पिटल में व्यक्ति लाइन में लगा, हॉस्पिटल में हमेशा आदमी बीमारी ज़्यादातर आता है, तो या तो वो कंटेमिनेशन वहाँ से ले सकता है, या अगर कंटेमिनेट खुद है तो वो बांट के आ सकता है। तो ये सैंपल की प्रक्रिया जो बॉर्डर पर लेने की, मैं समझता हूँ बड़ा सराहनीय कदम है ये। इससे कम से कम जो हॉस्पिटल में स्टाफ है, हॉस्पिटल में जो मरीज पहले से हैं, जो उनके पैरोकार हैं, वो किसी भी संक्रमण से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य है। और देखिए, उत्तराखंड के विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रवासियों से काफ़ी हद तक कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो लगभग प्रवासियों के आने से पहले 50 के करीब थी, वो 500 के पार पहुँच चुकी है। तो प्रवासियों से उत्तराखंड में तो कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ा। इस समस्या को देखते हुए जो सरकार ने रैपिड टेस्ट का डिसीज़न लिया है, निर्णय लिया है, वो वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही रैपिड टेस्ट होने से जिनको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं प्रवासी को, कम से कम उसको हम पब्लिक में आने से और प्रदेश में आने से, लोगों के संपर्क में आने से रोक सकेंगे। और एक कोरोना का विस्फोट जो हो सकता है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं इस निर्णय की सरकार की काफ़ी प्रशंसा करता हूँ कि रैपिड टेस्टिंग हालांकि पूरी तरीके से श्योर नहीं होती है, पर काफ़ी हद तक कोरोना के चीज़ को रोकने के लिए, कोरोना के विस्फोट को रोकने में मददगार होगी।